राफेल डील को लेकर अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक और रिपोर्ट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राफेल डील से एंटी करप्शन क्लोज को हटा दिया गया था। इससे पहले भी द हिंदू की एक रिपोर्ट में इस डील के समांतर बातचीत करने का प्रधानमंत्री कार्यालय पर आरोप लगाया गया था। लिहाजा लगातार सियासी हमले हो रहे हैं और द हिंदू की इस एक और रिपोर्ट के बाद बीजेपी बैकफुट पर है तो विरोधी हमलावर हैं। राफेल डील में द हिंदू की नई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने राफेल डील में प्रधानमंत्री की भूमिका को संदिग्ध बताया है और कहा है कि चौकीदार चोर है। दिल्ली में मौजूद आंध्र प्रदेश भवन में टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू के प्रदर्शन में पहुँचे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधान होते हैं। द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री ने सौदे से भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधान को हटवा दिया। इससे जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री ने लूट की छूट मुहैया कराई। दरअसल द हिंदू की एक और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्रांस के साथ हुई राफेल डील के समझौते पर हस्ताक्षर करने के चंद दिन पहले ही सरकार ने इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पेनल्टी से जुड़े अहम प्रावधानों को हटा दिया था। देखिए, दाल में जब काला होता है ना तो लगता है कि अब इस खुलासे के बाद तो सारी दाल ही काली है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने, उनको मालूम है कि डीपीपी 2013 का जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसके अंतर्गत जो स्टैंडर्ड क्लॉजेस हैं कि एंटी करप्शन स्टैंडर्ड क्लॉज है, एंटी कमीशन नहीं होना चाहिए वो भी एक स्टैंडर्ड क्लॉज है, स्क्रूटनी होनी चाहिए वो भी एक स्टैंडर्ड क्लॉज है, तो इस सारे मामले में इन्होंने वो क्लॉज हटा दी। तो आज ये साबित हो गया कि इस देश का अगर कोई कोतवाल है तो वो राहुल गांधी है, इस देश का कोई अगर चौकीदार है तो राहुल गांधी है, और अन्य चोर लोग अब प्रहार कर रहे हैं और कहते हैं कि चोर लोग कह रहे हैं कि कोतवाल चोर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 2013 की डीपीपी शर्तों पर राफेल डील साइन की थी, लेकिन इसमें पेनल्टी, अनुचित प्रभाव, इंटरग्रिटी पैक्ट और एजेंट एजेंसी से जुड़े कमीशन और खातों तक पहुंच से जुड़े प्रावधान इस सौदे से हटा दिए और कुछ में बदलाव भी किए। लिहाजा ऐसे में राफेल डील में नई रिपोर्ट के बाद बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। हालांकि वो राहुल गांधी के झूठ पर लगातार सवाल भी खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राफेल मुद्दे पर जिस तरीके से राहुल और कांग्रेस लगातार झूठ बोल रहे हैं वो महज सियासी बढ़त बनाने की कोशिश है। जाहिर चुनावी साल में राफेल डील को लेकर हर रोज नए दावे देखने को मिल रहे हैं और इसको लेकर खूब सियासी वार पलटवार भी हो रहा है। कैमरामैन विद्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।